जिस तरह इंडिया में भाई जब आप मेहमान आपके घर पे आते हैं तो आप सबका सत्कार करते हो चाय के साथ, समोसा के साथ, अलग अलग मिठाइयों के साथ, लेकिन इस एक्सोवियत कंट्रीज़ में जब आप मेहमान आपके घर पे आते हैं तो आप स्वागत करते हो वोडका के साथ। उधर से पास हो रहा था गांव के थ्रू, कुछ लोगों से मिला, वोडका पिला दिया उन्होंने भाई। भाई गांव से पास हो रहे थे, उन्होंने दिया एंटीवायरस वोडका। वीरस मिजदे नेतो वीरस नेतो भाई सवेरे सवेरे दादना पूरा वोडका दे दिया इन्होंने तो। भाई साहब बेरी ओ खराशो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो आप लोग, गुड इवनिंग बोलना चाहूँगा। ओ भाई साहब хорошо? До свидания, до свидания. Пока. Пока-пока. तो भाई बेसिकली हम लोग क्या हुआ कि रास्ते में जा रहे थे और ये लोग मिल गए। भाई डर लगता है घोड़े से मुझे, ये लोग मिल गए। उन्होंने कहा चलो घोड़े से आपको घुमाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधे घंटे की घोड़े की राइड की। मेरा गोप्रो मेरे कार में रखा हुआ था इसलिए मैं मतलब वीडियोज़ तो नहीं बना पाया था। ब्रांड के कैमरे में कुछ कुछ वीडियोज़ होंगी तो उसको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा कार है और अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर तक घोड़ों के साथ आया भाई। काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस था, डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था। घोड़ा का एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार हो रहा था, लेकिन जो भी था मस्त रहा। अब चलना चाहिए, चलने का समय आ गया है। गो बैक टू होम, गो बैक टू जरगलांड वैली। तो वैसे आज हम लोग जा रहे हैं जरगलांड वैली। काराकोल से हम लोग कल निकले थे, कल मतलब क्या सुबह ही निकले थे और आराम से धीरे धीरे करते करते जा रहे थे। इस ट्रिप में मैं उतने ज़्यादा वीडियोस नहीं बना, उसका जो रीज़न है कि मैं इस ट्रिप को काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। वीडियोस वगैरह से यार थोड़े लोग जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो ज़्यादा उस लोगों से एंजॉय कर रहे हो तो लोकल लोगों के साथ, फिर जब आप कैमरा निकाल के वीडियोज़ बनाने लगते हो तो उनका ना क्या बोलो भाव थोड़ा बदल जाता है। थोड़े यू नो कैमरा लाइक कैमरा के सामने वगैरह क्या बोल रहे हैं उनको सोचना पड़ता है। वैसे नॉर्मल लाइफ इन्जॉय करने में उतना नहीं सोचते वो लोग। वैसे हम लोग अभी जा रहे हैं जरगलांड, काफ़ी शानदार रोड है। इस तरफ काफ़ी स्नो पड़ी हुई है। जब मैं पिछली बार जरगलांड गया था, क्योंकि ये ट्रिप मेरा पहला ट्रिप नहीं है, मैं जरगलांड पहली बार जा चुका हूँ, तो मैं इस कंट्री को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरी फेवरेट प्लेस थी मैं वापस से वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन अभी जरगलांड जाके देखूँगा कि जरगलांड में क्या हाल है। खुद नहीं पता कि रहना कहाँ है। पिछली बार जब गया था तो एक फैमिली ने मुझे होस्ट किया था। बेसिकली मैं जरगलांड में एक लाइक मैं वॉलंटियरिंग कर रहा था। यहाँ पे मैं एक टीचर था, मैं पढ़ाता था यहाँ पे बच्चों को, मैं पढ़ाता था इंग्लिश पढ़ाता था मैं। हाँ मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है भी नहीं, फिर भी मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। स्टूडेंट हंस रहा था मेरे। तो कल जाके वापस से बच्चों से मिलेंगे, जाके पढ़ाएंगे बच्चों को, ये देखेंगे कैसा रहता है बच्चों के साथ एक्सपीरियंस वगैरह पढ़ाने का। ये रोड थोड़ा 18-20 किलोमीटर तक ख़राब जाएगा, ये ऐसा है। और ये वैली एकदम चारों तरफ माउंटेंस हैं और उसके बीच है काफ़ी सुंदर, वहाँ पे एक लेक बहती है। मतलब मुझे आपको दिखाना, वहाँ पर जाकर दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है जरगलांड वैली। अगर आप कभी किर्गिस्तान आ रहे हो भाई तो पक्का आप जरगलांड वैली आना ना भूलो। ये सारे जो माउंटेन है इसे टेंसन माउंटेन कहते हैं, टेंसन। ये आगे चल के हिमालयाज को कनेक्ट करती है, यहाँ से जाएगी चाइना, चाइना से फिर वो तजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर इंडिया जो हिमालयाज। तो ये सारे माउंटेंस हिमालयाज को कनेक्ट करती है काइंड ऑफ। तो टेक्निकली इसे आप चाहो तो हिमालयाज भी बोल सकते हो, जो भी हो। या अब रोड उतनी अच्छी नहीं है, जो रोड है उसी को एंजॉय करते हैं फिलहाल। Как тебя зовут? Касмала. Касмала? Касмала, а вы кем манишни? Сколько лет тебе? Сколько лет? 10. कल मैंने आपको बताया था कि मैं जरगलांड वैली जा रहा हूँ और फिलहाल मैं आ गया हूँ जरगलांड वैली में। काफ़ी शानदार वातावरण है भाई। कल या परसों बर्फ़ काफ़ी गिरी है तो अभी बर्फ़ पिघल रहा है। तो ये देखो, ये देखो पूरा एकदम ये हाल हो गया है देखो। उसके अलावा चारों तरफ से बर्फ़ की चादर है, माउंटेंस पे बर्फ़ वापस से पिघलना स्टार्ट हो गया। उधर को एक रिवर है, इस बच्ची से मैं बात कर रहा था,
छोटे मोटे घड़े हैं। डेढ़ साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तो मुझे कहाँ रहना था मुझे पता है। मैं स्कूल में यहाँ पे पढ़ाई मतलब तो पढ़ाता था बच्चों को, एक यहाँ पे स्कूल है जस्ट पास में ही, और वहाँ पे रात के काम करता था, वॉलंटियरिंग करता था। इस बार तो सिर्फ मैं एक दिनों के लिए आया हूँ, आज निकल जाऊँगा एक डेढ़ घंटे के बाद इलिनचक, जो कि वन ऑफ द चाइनीज़ बॉर्डर के पास पड़ता है। चाइना बॉर्डर जाकर देखेंगे थोड़ा थोड़ा कैसा है, नहीं है फिलहाल, थोड़ा इस गाँव को घूमते हैं। तो गाइज, जब मैं 2019 में किर्गिस्तान आया था तो इसी स्कूल में मैं पढ़ाया करता था। यहाँ पर मैं अराउंड एक से डेढ़ हफ्ते तक रहा था, यहाँ पर मैं पढ़ाया कर किया था। यहाँ पे मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, पता नहीं वीडियो में मैं तीसरी बार बोल चुका हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है वापस से आके। ये स्कूल था जहाँ पर मैं पढ़ाता था, ये किर्गिस्तान का एक छोटा सा स्कूल है फिलहाल। कि कल या परसों हम लोगों ने नया साल सेलिब्रेट किया था। किर्गिस्तान का कैलेंडर कुछ अलग है, यहाँ पर शायद ईरानियन कैलेंडर को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पर अब अगले 7 दिनों के लिए छुट्टी है। जब मैं स्कूल के अंदर आया तो बच्चे तो थे ही नहीं, कुछ ऐसा दिखता है स्कूल। इसी किसी फ़ोटो में साथ मैं भी हूँगा, क्योंकि मैंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाया गया था, पता नहीं उन्होंने अपडेट किया नहीं किया है। अगर हमने आपने ओमियाकोन की वीडियोस देखी होगी मेरी, तो ओमियाकोन की तरह ही ये पूरा स्कूल है। मेरा क्लास शायद ऊपर में पढ़ाता था, ऊपर में जाके आई थिंक क्लास नंबर याद नहीं उतना, कि मैं वहाँ पढ़ाया करता था। वो स्कूल की प्रिंसिपल थी जो भी पीछे से आई थी। सही है, अभी कुछ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो बस सारे लोग तो यहाँ पे है ही नहीं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो चलो उस बच्चों से मिलते हैं। मुझे याद है उसमें 2 बच्चों को मैंने पढ़ाया था, वो तो मुझे याद नहीं उन्होंने, क्योंकि उनके लिए टीचर आना जाना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरनर्स आते हैं और टीचर बदलते रहते हैं, वॉलंटियरिंग लोग करते हैं आके यहाँ पे। रशिया का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, अस्ताना। हेलो, भाई ये गांव काफ़ी शांत है, मतलब यहाँ पे उतने लोग हैं ही नहीं। कि जरगिलान नाम है इसके, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं बताया नहीं गया। यहाँ पर आई गेस 1000 से ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे, यहाँ पे कुछ गाँवें हैं। आप यहाँ पे कुछ कुछ ट्रैक कर सकते हो, क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा गांव है यहाँ पर, ये किर्गिस्तान के ईस्ट में आता है, और उसके बाद यहाँ से कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है, ये लास्ट पॉइंट है। सर्दी थी भाई 2-3 दिनों से काराकोल में, तो थोड़ी सर्दी हो गई है। हालांकि इसके बाद अब जा रहा हूँ उज्बेकिस्तान, तो वहाँ पे थोड़ी गर्मी मिलेगी समरकंद वगैरह में, बुखारा वगैरह में तापमान काफ़ी शानदार रहता है, तो वहाँ पे कुछ दिन बिताऊँगा। उसके बाद जाऊँगा अफगानिस्तान, और उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना है, कोई आइडिया नहीं कि जाना कहाँ है कैसे जाना है। आपको आने वाली वीडियोज़ में अपडेट मिलती रहेगी धीरे धीरे करके। और अभी जो बारिश तो नहीं हुई भाई, इन सब कंट्रीज़ को बारिश का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और बेसिकली क्या होता है कि बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। और देखो कितना मस्त भाई माउंटेन दिख रहा है पूरा एरिया में। तो लोग कहते हैं कि ये किर्गिस लोग कहते हैं कि ये स्विट्जरलैंड है एशिया का, और कहीं ना कहीं तक ये बहुत सत्य है। रिमेंबर शिवम, या चिकन्स आरंट रियल मीट, दे आर। कुछ लोग कह रहे थे कि कल जब हम लोग गए थे, जब हम लोग हॉर्स मार्केट में, तो कह रहे थे कि हॉर्स मीट खाना खाने वाला मीट होता है, चिकन तो मीट है ही नहीं, वो तो साग सब्जी है। मैंने कहा भाई सही है, हमारे इंडिया में चिकन भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे घोड़े खाते हैं, बकरियाँ खाते हैं, गाय खाते हैं, जो होता है ऐसा खाते रहते हैं। यहाँ पे खाना मेरे हिसाब से, मेरे लिए सबसे अच्छा यहाँ खाना क्या लगता है, लगमन मेरा फेवरेट है यहाँ पे। लगमन में क्या होता है ना, सिर्फ नूडल्स रहता है और थोड़ा इंडियन टेस्ट आता है। उसके अलावा मुझे यहाँ सदियंका बोर्स भी अच्छा लगता है भाई, बोर्स में वो पोटैटोज देके
और पीट दे के बनाते हैं, अच्छा लगाता है। रशिया में मैंने काफ़ी खाया है। भाई गांव से पास हो रहे थे, उन्होंने दिया एंटीवायरस बोर्ड का। वायरस पीते नहीं तो वायरस नहीं तो न्यू ना तो ऐसी बात नहीं तो जीत अता कक अता हॉर्स तुदुक तुदुक हॉर्स दा। हां देखो ये घोड़े का मांस है। हां हां ओ वही ने ए याद में सेनिंग ड्राइन जिलकने के दुदुक तुदुक 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 О, немного, 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 меня немного. Меня немного. Хорошо, хорошо. Ой, не пизди, блин. О, байсал. If you're gonna drink, you're gonna drink a lot. Байсал, do it. О, my God, it's six. А, байсал, бери, бери. До дна. Ну, вот, весь пуля водка дали иноне. Байсал, бери. Байсал, бери. Байсал, бери? И. Окей. Халын, түйлөшөн алын. Жок, дит снимать этот артында. Чё, макул? डर लग रहा है भाई दा? ओ खराशो ओके What are you doing? Oh, eating. Хорошо, хорошо. Мясо, мясо. Ик стакан ик деп куй берин маннын. Бай кофе кырбата яр. क्या हो रहा है ये सुबह से सवेरे? ये होता है जब आप किसी एक्सपर्ट कंट्री में आते हो, सो सुबह आपको एकदम दारू यहाँ पे ऑफर करते रहते हैं। काफी हार्ड अल्कोहल है यार ये। ना दूसरा। सात दो साल। आपके तो प्रिय। शिशर है। यूनाइटेड स्टेट्स। Hmm? As America as Hindi. Yeah, as Hindi? India. India. America. America. Russia. Yeah, yeah, but you're a tourist. Yeah, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan? Давай, хорошо, а? Давай. Да здоровья. Давай, такой. Да здоровья. Да здоровья. Удар से пас हो रहा था गांव के थ्रू. कुछ लोगों से मिला. वोडका पिला दिया उन्होंने भाई. Как дела? Хорошо. Хорошо, как тебя зовут? Шагдана. Шагдана, очень приятно, Шагдана. Очень приятно. Сколько лет тебе? 7 лет. 7 лет? Wow. Oh. And сколько лет тебе? 10. 10? 10 years? Oh, wow. Как тебя зовут? Айназик. Айназик, очень приятно, Айназик. Мне тоже приятно. Мне тоже приятно. Меня зовут Субам. Субам? Да, я за Инди. А вы из какой страны? За Инди? Индия. Индия? Я знаю Индия. И знаю Америка. Да, знаю Америку. И знаю, тебя не знаю Индия? Индия? Да, Джимми, Джимми, знаю. Нет? She don't know India. India? No. Everybody knows India. Everybody knows India, man. Is it Indi? Indi. Indi. Is it Indi? No. No? No? English ki gawari? Да, говорю. English ki gawari? Do you speak English? Нет. Take care. Bye. До свидания. Пока-пока. 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 До свидания. Пока. Пока. और यहाँ पे सुबह सुबह वोडका पीने के बाद कुछ बच्चे से बात कर रहा था। इंडिया के बारे में उसको पता ही नहीं, पता नहीं मैं सही से इंडिया प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ये पता नहीं है। से मंगोलिया में था ना मैं, तो मंगोलिया में अगर बोल अगर इंडिया इंडिया को बोलते थे वहाँ इनिथैग। काफ़ी गायें हैं यहाँ पर, और अगर इनिथैग मुझे बोलने नहीं आता था जब मैं शुरू से मंगोलिया गया था, तो मैंने कहता था कि मैं झिमी झिमी बोलता था, झिमी झिमी आ जा आ जा, लोगों को समझ में आ जाता था कि मैं इंडिया से हूँ। फिलहाल इन लोगों को समझ, क्योंकि काफ़ी यंग है, तो उसमें सोवियत ईरान नहीं हुआ करता था। सोवियत ईरान के टाइम झिमी झिमी काफ़ी फेमस था, हर लोगों को पता था। और ये इस तरह बर्ड में चलना पड़ रहा है। The sun comes out. Yeah. The mud is melting. My shoes are getting stuck. The old men were laughing at me for wearing tennis shoes here. जिस तरह इंडिया में भाई जब आप मेहमान आपके घर पे आते हैं तो आप सबका सत्कार करते हो चाय के साथ, समोसा के साथ, अलग अलग मिठाइयों के साथ। लेकिन इस एक्सोवियत कंट्रीज में जब आप मेहमान आपके घर पे आते हैं तो आप स्वागत करते हो वोडका के साथ। ये इस देश का काइंड ऑफ रीति रिवाज है।
तो आप मना भी नहीं कर सकते हो। वाओ Too much vodka. ओ भाई कैसे जाओ समझ नहीं आ रहा, इतने इतने मड्डी। चलो मुझे तो थोड़ी आसानी है कि जूते के कारण। अच्छा हुआ मैं ट्रैकिंग शू हमेशा पहनता हूँ, नॉर्मल शू पहन रखा है इसलिए दिक्कत हो रही है।